7 दिन बाद पक जाती है ईंटें। अच्छा मतलब आग में डालने के, हाँ बड्डे के अंदर आग डालने के बाद 7-8 दिन में पक जाती है। 7-8 दिन में पक जाती है। हाँ अच्छा, और इसमें मतलब आपका कितना लेबर चार्ज वगैरह सब कितना जाता है? लेबर चार्ज, हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर राणा और आपको लेके आया हूँ आज हमीरगढ़ से थोड़ा 2 किलोमीटर आगे, जो भिलवाड़ा तहसील में, भिलवाड़ा जिले में पड़ता है हमीरगढ़ तहसील। तो यहाँ पे ईंट का उद्योग कैसे किया जाता है और क्या इसका प्रोसीजर है और क्या कुछ है, कैसे कुछ है, इनसे जो ये बनाते हैं, जो इसका उद्योग में कार्यरत है, उनसे बात करवा देते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? दिनेश प्रजापत। दिनेश प्रजापति जी अपना नाम बताया इन्होंने। तो सर ये आप ईंटों का काम आप ही करते हो ये? हाँ। तो इसका क्या मतलब, कैसे बनाते हो, क्या है इसका, थोड़ा ऑडियंस को बताओ हमारे। ये मिट्टी से बनती है जी, और राग बॉयलर की राग भी डलती है इसके अंदर। बॉयलर मतलब ये बॉयलर थोड़ा फैक्ट्री का बॉयलर, फैक्ट्री का बॉयलर की जो, हाँ वो राग निकलती है ना कोयले की, उससे वो मिलाकर। हाँ तो और क्या क्या मिलाते हो? बॉयलर की राग और मिट्टी। मिट्टी, हाँ। तो ये मतलब कितने फिर पकाते हो इसको? ये सूखने के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद ऐसे पक जाती है। आग डालने के 7 दिन बाद पक जाती है ईंटें। अच्छा मतलब आग में डालने के, हाँ बड्डे के अंदर आग डालने के बाद 7-8 दिन में पक जाती है। 7-8 दिन में पक जाती है। हाँ अच्छा, और इसमें मतलब आपका कितना लेबर चार्ज वगैरह सब कितना जाता है? लेबर चार्ज लगभग ये 4-4.5 रुपये ईंट में हमारे घर में पड़ जाती है। 4.5 रुपये पर ईंट, पर ईंट घर में पड़ जाती है जी। तो भाई साहब का कहना है 4.5 रुपये पर ईंट के हिसाब से लेबर चार्ज वगैरह जो आता है वो आता है। और मतलब इसमें और कहाँ कहाँ आप सप्लाई करते हो ईंट की? सप्लाई आसपास के गांव में सप्लाई होती है। जैसे कि गंगरार है, चित्तौड़ है, छोटे छोटे गाँव है उसमें, गंगरार चित्तौड़ वगैरह भिलवाड़ा के जिलों में, भिलवाड़ा के आसपास गांवों में, आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं ईंटों को। और आपको ये धंधा करके मतलब रोज ये बिजनेस करके कैसा महसूस होता है? ये अच्छा महसूस होता है, बिल्कुल बढ़िया। आप मतलब आपका पर्याप्त हो जाता है? हाँ, पर्याप्त हो जाता है बिल्कुल। भाई साहब आपका क्या नाम है? देवीलाल प्रजापत। देवीलाल प्रजापत इनका नाम है इन्होंने बताया। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो? बिल्कुल। आप इनके मतलब इनके साथ में ही हो? हाँ साथ में। अच्छा, तो आपका क्या नाम है भाई साहब? सोमलाल प्रजापत। सोमलाल मतलब सभी प्रजापत हो? हाँ, प्रजापत। अच्छा अच्छा, तो आप भी इसमें? इसका एक ही धंधा है। अच्छा, सब इसी में मतलब है? इसी में। आपका क्या नाम है? पारसमल। आप भी प्रजापत? नहीं, जैन। अच्छा, ये जैन समाज से आते हैं। होटल है? अच्छा, आपका होटल है? होटल की चाय का होटल के अंदर। हाँ अच्छा। तो अभी आजकल भाई साहब ईंट का काम नहीं चल रहा है क्या? नहीं, अभी ऑफ सीजन है बरसात के हिसाब से। अच्छा, बरसात के हिसाब से सीजन इन्होंने रोका हुआ है? बरसात के हिसाब से सीजन नहीं, दोस्तों बता रहे कि बरसात के हिसाब से सीजन बंद है। अभी दिवाली पे सीजन वापस चालू हो जाएगा। और बहुत अच्छे, देखो दोस्तों अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस है और बढ़िया है। और लगभग कितना आपको इनकम हो जाती है महीने के हिसाब से बताओ? महीने हिसाब से 12 महीने? अच्छा, साल के हिसाब से आप बताओ? साल के हिसाब से 1-2 लाख रुपए? नहीं, 1 लाख रुपए? नहीं, 1-2 लाख रुपए। हाँ मतलब 1 लाख रुपए साल में इनको बच जाता है, मतलब सब कुछ लेबर चार्ज काटने के बाद। हाँ अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। तो आप मतलब अपना रोटी रोजी रोटी अच्छी चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही है, बढ़िया। तो आप इसके बारे में और हमारे ऑडियंस को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, ये धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धंधा देखो, जिसमें जो करना चाहता है वो कर सकता है, और जो मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने से। अच्छा मतलब इनका कहना है भाई साहब कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, अगर कोई मेहनत कर सकता है तो कर भी सकता है, अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। और आपका क्या कहना है इसके बारे में? बस वो जो भैया बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो भैया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो सर अगर मतलब आपके इसका उद्योग का क्या नाम है? गायत्री ईट सप्लायर्स। जो हमीरगढ़ में है? हाँ हमीरगढ़ में। हमीरगढ़ में है, तो इसका मतलब हज़ार, जैसे आदमी 1000 ईंट लेना चाहे जैसे, तो क्या प्राइस है उसकी? प्राइस है 4700 रुपये। 4700 रुपये में जैसे ग्राहक मिल जाते, 4700-4800-5000 समथिंग, मतलब ऐसे ऐसे मतलब हो जाता है। तो जैसे मतलब अगर 1000 ईंट लेना चाहोगे तो 4700 रुपये की है 1000 ईंट। तो ईंट बढ़िया अच्छी? हाँ बढ़िया पक्की हुई है। अच्छा, एक नंबर चीज़ है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे गायत्री सप्लायर्स, इन्होंने बताया गायत्री सप्लायर्स ईंट का जो इनका बिजनेस है, धंधा है, तो बहुत अच्छी ईंट पकी हुई है। और जो भी कोई भाई यहाँ से लेना चाहता है तो हम भाई साहब का डिस्क्रिप्शन और इनका कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इनका नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, तो आप ले सकते हैं। जो हमीरगढ़ से 2 किलोमीटर होगा भाई साहब?
नहीं, अमीरगढ़ गांव के पास में 1 किलोमीटर एक किलोमीटर है अमीरगढ़ से, 1 किलोमीटर दूर है अमीरगढ़ गांव के पास, सादी रोड पे, सादी रोड पे है। तो 1000 ईंट का 4700 रुपये है। ठीक, धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ईंट जो बना बना के उन्होंने और आग में पकाने के बाद यहाँ एक जगह पे लगा रखी है, और बढ़िया ईंट है बता रहे हैं, बहुत अच्छी है, पका के अच्छी रखी हुई है, और ज़्यादा भी नहीं पकी हुई है, क्योंकि ज़्यादा ईंट पकी हुई दोस्तों सीमेंट नहीं पकड़ती है, और ये मीडियम आँच पर पकी हुई ईंट है, और ये बॉयलर की राख है जो इसमें मिट्टी में मिलाई जाती है, और मिट्टी में मिलाने के बाद इससे फिर ईंट बनाई जाती है, जैसा कि बनाने वाले ने यहाँ के बताया है। ये बॉयलर की राख और इधर ईंट जो मिला के बनाते हैं, और उसको सुखाने के बाद फिर आग में पकाते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड रखेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक कियो करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।